मिलते हैं जल्दी, टाटा टाटा। साई से ऐसे सेट है, अल्लू भी ऐसे सेट हो गई है, पीछे हमारा सारा सामान है। गुड मॉर्निंग एंड हर महादेव गाइस। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे से बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों को मेरे व्लॉग्स नहीं मिल रहे हैं। तो अभी मैं, साइशा और अनु अपने बेबी के साथ फर्स्ट टाइम फर्स्ट ट्रिप पे जा रहे हैं। तो ये लोग कुछ अंदर बैठे हुए हैं। साइशु हेलो करो। साइशु कुछ नहीं बोलना चाहती। ओए होए होए होए। तो बस अब हम सारे पैक हो चुके हैं, ट्रिप पे जाने के लिए ऑल रेडी हैं, सामान सारा पैक हो गया है। अब हम मिलते हैं आप। मंकी हाउ इज यू फीलिंग? आप पहली ट्रिप पे जा रहे हो, 6 मंथ ओल्ड। मंकी बम फेंक रही है, दबा के मार रही है। तो ये हमारी गाड़ी में भी रिफिलिंग हो रही है CNG। इसको देख के पता चलता है कि हम दिल्ली को छोड़ने वाले हैं। तो दिल्ली से पहला टोल आ गया है जो कि मूरथल टोल से, जिसको हम लोग जानते हैं। यार जीरकपुर के पास हमको थोड़ा सा जाम मिल चुका है। देखो गाड़ी रेंग रेंग के चल रही है। देखो यहाँ पे सारा कोई एम्बुलेंस भी फंसी हुई है बेचारी, पता नहीं कैसे पहुँचेगी अपनी जगह पे। और ये हमारी बिटिया रानी साइशु पीछे से आवाजें दे रही हैं। साइशु क्या बोलो, दादा को बताओ, बोलो, कोई नहीं बोलते हो कुछ। देखो अगर आपको यहाँ दिख रही हो तो ये मेरे को ऐसे ना पीछे मिरर में से देख रही है। साइशु दादी और बेटी ऐसे बात करते हैं। साइशु ए मंकू। तो बस बाप बेटी इसी तरीके से बात करते गाड़ी के अंदर आगे पीछे से। चलते चलते हम तीनों को लगी थी प्यास, तो हम लोगों ने रास्ते में देखा कि ना बहुत ही सुंदर, क्या देख रहा हूँ ये देखो छोटा ब्लॉगर मंकी का अंगूठा दे दो बस। तो रास्ते में चलते चलते ना हम लोगों को बहुत सारे ऑरेंजेस वाले ठेले दिखे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक एक ग्लास जूस पी लेते हैं। बट जूस हम दोनों एक एक ग्लास नहीं पियेंगे, एक ही ग्लास में दो करेंगे क्योंकि मेरे को तो आ रही सूप। साई से अपना सारा काम तमाम करके बैठी है, मस्ती आ रही है अभी। को मस्ती आ रही खेलने के लिए, पूरी होगी लेट रात को खेलने। तो बस देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि वो आगे देखो जूस के काउंटर लगे हैं, तो मेरे पास भी तो है, बट यहाँ से पीछे से कुछ दिखेगा नहीं। तो ऐसे काउंटर से हम लोग जूस पी रहे हैं। ये आ गया है जूस, देखो पूरा झाग से लथपथ लथपथ आया है, इसको पीते हैं और बताते हैं। अच्छा है, हल्का इसको भी टेस्ट करा दे। ड्रॉपर निकाल दो ना इसके बैग में से। साइचो और एक जूस। बस ठंडा होता है। कैसा लगा नू? बेदाना एकदम फ्रेश है, तो एकदम फ्रेश ऑरेंज जूस पी के मजा ही आ गया हम दोनों को। बस अब यहाँ से आगे चलते हैं और आज का स्टे तो शिमला ही रहेगा। अभी हमको बुक भी करना है, हम लोगों ने अभी कोई भी स्टे बुक नहीं करा है। कहीं आगे ढाबे पे रुकते हैं, चाय वाय पीते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आपसे बात करते हैं। मंकी को और चाहिए बेटा, एक सिकट ठंडा है ना थोड़ा। हम लोग शिमला के रास्ते पे एक जगह पे रुके हैं, तो यहाँ पे हम मैगी चाय का मजा ले रहे हैं। और साइशु को देखो मंकी बन के बैठा है। ओ मंकी, अनु कैसी मैगी, मजेदार? चाय भी ठीक ठीक ही है। तो ये भी आया, ये तो कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसको लग रहा है तुम कुछ दोगी खाने को। ये कौन आया इसका? इसकी बेटी है। फाइनली यार हम लोग जो है अभी शिमला पहुंच नहीं पाए क्योंकि ना साइशा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लग गई थी, वो भी थक गई थी, उसने फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा लंबा ट्रैवल किया है। तो इसलिए हमने हाईवे पे एक होटल देख लिया, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। देखो मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। देखो ये ऐसे एंट्री है कुछ, ये वॉशरूम है और ये अनीशा मैडम और हमारी साइशु महारानी सो गई है। वैसे ही फैमिली रूम है पर हमारे साइशु के लिए बड़ा है। मंकी यू हैप्पी?
और ये ऐसे मतलब होटल अच्छा है, देखो ऊपर से और यहाँ से ना बाहर बालकनी है जो कि व्यू सुबेरे आएगा। अभी रात को आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, अगर कुछ दिख रहा हो तो मैं बाहर जाके भी दिखाता हूँ। तो मैं बाहर जाके दिखाता हूँ आपको व्यू कैसा आएगा, क्योंकि अनीशा तो मेरे को गेट खोलने देगी क्योंकि बेबी सो रही है ना। तो बस अभी बाहर जाके दिखाता हूँ फिर मैं आप लोगों को। क्या कर रहे हो, डिनर ऑर्डर? डिनर ऑर्डर करा जा रहा है ताकि जल्दी खाया जाए, जल्दी सो जाए, क्योंकि अपना काम भी है, जल्दी सो, जल्दी उठो, बच्चे की सेवा करो, है ना बेटा। भूख इतनी ज्यादा लगी थी ना हम तीनों को, साईशा ने तो अपना दूध पी लिया है अपनी मम्मा से ब्रेस्ट फीड पे, और हम लोगों को इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि कसम से मेरे को याद भी नहीं रहा कि हमको व्लॉग कंटिन्यू करना है। तो अभी देखो अन्नू खा रही है, और यहाँ पे हीटर में हम सारा खाना गर्म करने के लिए रखे हुए हैं ताकि खाना हल्का हल्का गर्म रहे, ठंड बहुत है। तो हमने जो मंगाया था एक कढ़ाई पनीर मंगाया था और मिक्स वेज मंगाई थी। अन्नू कैसा है यहाँ का खाना? अच्छा है मेरे हिसाब से, तो अच्छा है ना, टेस्टी है। और हमारी बेबी भी उठ गई है, साईशु मंकी हमको ढूंढ रही है, कहाँ गए दादा मम्मा। तो बस यार अभी तो हम लोग डिनर कर रहे हैं, उसके बाद हम सो जाएंगे, आप लोगों से मिलते हैं कल डे सेकंड में। बट इस ब्लॉग को मैं कल के लिए भी कंटिन्यू ही करूँगा क्योंकि आज का ज़्यादा कंटेंट नहीं था, क्योंकि जिस हाईवे से हम लोग आए थे मैंने बहुत बार ही आप लोग अपनी वीडियोज़ में दिखा चुका है, सोलन के लिए दिखा चुका है, लेह लद्दाख के लिए दिखा चुका है, हिमाचल के लिए दिखा चुका है। तो अनु गुड नाइट कर दो बाबा। गुड नाइट। तो आओ यार चलो आपको अपने कमरे के बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो रात को तो कुछ दिख नहीं पाया था, पर्दा हटाने के बाद कुछ ऐसा है, बाहर चल के दिखाते हैं आपको कहाँ से खुलता है, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। हो क्या जबरदस्त व्यू है, ये सारा नीचे जंगल ही जंगल है, धूप निकल चुकी है। भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में रेडी होके। तो शिमला में यार हम लोगों ने एक होटल ले लिया है, बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद हमको मिला है ये होटल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमने कौन सा कमरा लिया है, बहुत अच्छा कमरा है, कॉटेज टाइप कमरा है। तो अभी मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, अब देखो मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, बीवी का बैग, तो ये यहाँ पे ऐसा है। तो हमारा जो कॉटेज है वो यहाँ से ऊपर चढ़ के है, मेरे हिसाब से 502 है। हाँ चेक करते हैं, हमारे पास एक है मंकी है, ये हमारी है। तो ऐसा कुछ हमारा कमरा है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नई प्रॉपर्टी है, और यहाँ से बाहर का व्यू कितना अच्छा है, देखो यार मजा ही आ जाएगा आज। कमरा थोड़ा छोटा है, मतलब कॉटेज टाइप बना रखा है इन लोगों ने, एक्चुअली माले की तरह है। देखो तो ये मैं कैसे दिखाऊं बाबा, मुझे ना वॉशरूम दिखाने दो, जरा हटो, वॉशरूम भी अच्छा है, शावर एरिया अलग से ही है। देखो तो अनु इस कमरे में आके थोड़ी इमोशनल सी हो गई है, क्या याद आ गया तुमको ऐसा इस कमरे में? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया उसको, देखो। हाँ आपको भी कर रहा हूँ, ले ले बोल, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज जी जी। तो बताओ अनु जी आपको क्या याद आ गया ऐसा? कुछ नहीं याद। पक्का? व्यू देखो जरा, क्या मजेस्टिक व्यू है, तो वही दिखा रहा हूँ ना। तो ये रूम कुछ ऐसा है, देखो
पूरा वुडन फिनिश का कॉटेज है ये। बेटी आप क्या कर रहे हो, कहाँ घूमी कर रहे हो? मुझे भी कंबल में बिठा दो। कहाँ घूमी कर रहे हो? करंट। हाँ करंट लग रहा है इसके कंबल में ना। तुम्हें तो कैसा लग रहा है बर्गर? स्ट्रीट बर्गर मजेदार मजेदार है। अच्छा अभी हमने मैगी भी बनवाई है। जिस पे नहीं रहा धूर मिट्टी आता। सही है सही है। तो भैया जी हमारे लिए बर्गर तैयार कर रहे हैं। जब बड़ा वैसे है कितने का बर्गर? मैंने तो पूछा भी नहीं है। 40 का। अच्छा तो यहाँ से हमको टिकट लेनी पड़ती है 20 रुपये पर पर्सन की। कौन सा इशू? और फिर उसके बाद हम लोग लिफ्ट से जाएंगे ऊपर मॉल रोड। तो यार ये है वो लिफ्ट एरिया। यहाँ से मॉल रोड के लिए हमको लिफ्ट करनी पड़ती है। हमने टिकट ले लिया। अभी सारे भाई बंधु जितने हैं सब लिफ्ट के अंदर जाएंगे और ऊपर जाएंगे। नीचे पार्किंग में गाड़ी लग चुकी है हमारी। चलो चल लेते ऊपर। आ गया है चर्च। सुंदर लग रहा है यार। अभी मंकी भी उठ गई है। मंकू भी उठ गया। देखो मंकू भी उठ गई है। क्रिस चर्च शिमला। जो कि बहुत सुंदर है। दिन में आते शायद बहुत सुंदर लगता है। बट हम दोनों हम तीनों रात को आए हैं। सही में अब यहाँ चलते हैं रिज। लाइट हम तीनों अब रिज पहुँच चुके हैं। और रिज में फ्लैग तो नीचे हो रखा है यार। ये कुछ रिज है। उसके ऊपर शायद कैफे भी है। मैं तुम्हें क्यों कर रही हूँ? यहाँ पे हिमाचल का ट्रेडिशनल फूड कार्निवल लगा हुआ है। तो अब हम लोग जाते हैं और देखते हैं मेरा फूड कार्निवल को। ओह इंदिरा गांधी जी भी हैं अंदर। तो ओहो चंबा। अच्छा यहाँ पे फूड है जगह जगह। तुम्हारा कौन सा? कुल्लू कांगड़ा हमीरपुर भी है हमारा। तो कहाँ है उतरा? हमीरपुर बिलासपुर भी है, किन्नौर भी है, मंडी। हम खा रहे हैं लाहौल स्पीति का। अभी हम लाहौल स्पीति के काउंटर पे आ रहे हैं। सिड्डू उसके बाद हम कुछ और ट्राई करेंगे। तो ये सिड्डू आ गया हमारा। ऐसे हिमाचल जो अपनी जगह का नहीं खाया तुमने। हमीरपुर का धाम है। खा के बताओ कैसा? चावल नहीं खाती मैं। अब जलेबी लग रही साइज। तो ये है कुछ शिमला के मॉल रोड की हालत। हम लोग ऊपर घूम रहे थे बट साइशु को लगता है मेरे को पसंद नहीं आया कि हम उसके मम्मी पापा घूमे ऊपर खाए पिए। तो ये रोने लग गई। तो अनफॉर्चुनेटली हमको नीचे उतरना पड़ा। क्योंकि साइशु टिकती नहीं आजकल। कभी मम्मा कभी पापा, कभी मम्मा कभी पापा करती रहती है। तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा हनुमान जी की मूर्ति। तो वही है जाकू टेम्पल। 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति है। हो सकता है यहाँ से नहीं दिख रही होगी। तो हम कल पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाएं और आपको भी दिखाएं। तो अन्नू ना मेरे पीछे बहुत महीनों से पड़ी थी कि उसको चीज केक खाना है, चीज केक। हाँ, तो फाइनली हमको शिमला के मॉल रोड में ज्ञानीज के अंदर केक मास्टर में हमको एक ब्लूबेरी चीज पेस्ट्री मिली है। अब अनु खा के बताएगी कैसा लगा। चीज नहीं हो रही है करो। जो हमारे दिल्ली में है उधर की चीज सब मेल्ट ऐसे ज्यादा ऐसी हो जाता। तो बोलो ना इनको हार्ड है इसकी चीज कैसा है। साइशु, दादो को चिकन सूप पीना था तो आपने परमिशन दे दी?
है मम्मा ज्यादा तो हम जिस होटल में रुके हैं उसका नाम है ग्रीन फील्ड रेजिडेंसी। वैसे तो मॉल रोड से बहुत ही नीचे आकर है, एकदम न्यूली प्रॉपर्टी है। गाड़ी तो मेरी एकदम अंदर ही पार्क करी गई है, देखो यार तो ये ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो यार आज का डिनर आ चुका है और अनु यहाँ पे मूवी देख रही है। हमने मंगाई है दाल मखनी, राइस, अचार, सैलेड एंड रोटीज। अब खाते हैं और फिर करते हैं पेट पूजा। तो गुड मॉर्निंग है, आज हमारे रूम के बाहर से शिमला का व्यू कुछ ये है। बस अब आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं नहा धो के, उससे पहले हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये कुछ आज का ब्रेकफास्ट है यहाँ पे, इसके अंदर पराठे हैं, एक कॉफ़ी है मेरी, एक चाय है अनु की, चीज़ ऑमलेट ब्रेड के साथ। तो बस अभी कुछ देर में आपसे मिलते हैं नहा धो के रेडी होके। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा शिमला के अंदर आखिरी दिन है। तो हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, तो अब हम लोग यहाँ से अरे गाड़ी चलानी पड़ेगी आगे, तो यहाँ से जा रहे हैं क्या एडवांस स्टडीज, कोई जगह है यहाँ पे बोलते हैं अंग्रेजों के टाइम की, वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स हैं और इंस्टीट्यूट है किसी चीज का, वहाँ पे जाके देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ पे ऐसा क्या मिलेगा क्या नहीं, ठीक है ना। और ये साहब जी क्यों बैठे हैं, ये पहाड़ी बच्चा, पहाड़ी बच्चे ये खुश है वादियों में, वो पहाड़ी बच्चे कितनी खुश है, वो विटामिन डी खा रही है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों। तो फाइनली ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, यहाँ पे गाड़ी कुछ इस तरीके से लगी हुई है, अब अंदर जाके देखते हैं। तो अब हम तीनों अंदर जाके देखते हैं कि कैसा रहेगा अंदर का माहौल। तो यहाँ ये कुछ एरिया है चढ़ाई का। तो अनु जी कैसा फील हो रहा है आपको? बस हो रहा है, मजा आ रहा है, ऐसे कपड़ों में घुस के चाई आ रही हूँ। इनके शूज देखो जरा, मंकी आप कुछ कहना चाहोगे दादा? फर्स्ट व्यू कुछ अंग्रेजों की बिल्डिंग का ये है, ये अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग बनी है, ऐसे यहाँ के लोकल्स कहते हैं। ये देखो फाइनली यार हम लोगों ने यहाँ पे एक टिकट ले ली है। अगर आप बाहर बाहर से म्यूजियम को देखना चाहते हो तो 30 रुपये पर हेड है, और अगर आप अंदर गांधी जी और नेहरू जी की पिक्चर्स को भी देखना चाहते हो तो 100 रुपये की एक बंदे की टिकट है। तो हम इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इसलिए हमने 30-30 वाली ले ली है। तो ये कुछ यहाँ का कैंपस है, और अभी थोड़ी देर बाद हम उसकी भी करेंगे, वो जो अंग्रेजों के टाइम की फायर की मशीन रखी। तो ये कुछ बिल्डिंग है जो अंग्रेजों के टाइम की यहाँ पे आर्किटेक्चर है। अच्छा सर, और ऊपर देखो हमारा नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ है। अच्छा, अटक गया नेशनल फ्लैग डंडे के आगे। तो इस अनु मैडम की वजह से मैं अंदर नहीं देख पाऊंगा आज, बताओ भाई। ठीक है, चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं एडवांस स्टडी म्यूजियम, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। मैं चेक कर लेता हूँ मैंने लेंस चेंज करा हुआ है कि नहीं। हाँ, तो मैंने लेंस चेंज करा हुआ है, 0.5 लगा रखा, तो आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे देखो पूरा लॉन है, लॉन में आपको एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, और ये कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है जो कि अंग्रेजों के टाइम की है। यहाँ के कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के कोई ना कोई समझौता हुआ था किसी ज़माने में, अब हमको तो पता नहीं, हम उस ज़माने के तो है नहीं। तो और यहाँ पे पूरी जो प्रॉपर्टी है वो एकदम हेरिटेज प्रॉपर्टी है। बाकी कुछ 2-4 वर्ड यहाँ पे आपको मेरी मिसिज बताएंगी। अनु जी बताइए क्या है ये? फ्लेक्सिबल होने के यहाँ से गाड़ियाँ आती होंगी किसी ज़माने में ना, यहाँ से लोग जाते थे पास होकर, यहाँ से पीछे से जाते थे, जहाँ पे मना कर रहा था वहाँ पे भी गाड़ी जाती होगी। ये लॉन होगा पूरा, तो अगर हम एनालाइज करें तो कितने सारे वो खड़े होंगे यहाँ पे, और कितने सालों से खड़ा हुआ है। हाँ। और एक पाजी ऊपर देखो पता नहीं क्या वॉक कर रहे हैं भाई। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी, जैसे हम पुराने पिक्चरों में देखते मुर्गा, देखो ये मुर्गा है जो एयर की कंडीशन बताता होगा उस जमाने में। शिमला का शिमला लोकेशन लग रही है, क्योंकि देखो ना इतनी बड़ी बिल्डिंग, लॉन, ऊपर से पेड़ जो मतलब ऐसे ही लगते हैं, तो ऑक ट्रीज ये पेड़ ऑलमोस्ट पहाड़ों में कम पहाड़ों में ही होते हैं, मोस्टली शिमला जैसे जगह पे। तो बस यहाँ से अब हम चलते हैं
और अगली डेस्टिनेशन देखते हैं हम क्या कवर करते हैं। ये कुछ यहाँ पे है पहाड़ों में तो ये चीज़ें कॉमन है, बट यहाँ पे ये स्लाइड हो रखा है, देखो थोड़ा सा दिखाऊँ अगर मैं, ये अंग्रेजों के ज़माने का नहीं है, ये तभी के ज़माने का, बट यहाँ से टूट के स्लाइड हो गया नीचे देखो। और यहाँ का पूरा जंगल का एरिया बहुत ज़बरदस्त वाइब देता है, बट ये 5 बजे बंद हो जाती है ये जगह। अनु यहाँ से भागते ही जाओ क्यों तो कुछ ये था वो रोड जहाँ से हम लोग आए हैं, ये देखो। और ये ऊपर पूरा फॉग, चलते चलते अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर की तरफ चंडीगढ़ से। कुछ देर पहले हम, मतलब मैंने कुछ देर पहले थोड़ा सा स्टॉप लिया है आप लोगों का यहाँ का मौसम दिखाने का। मौसम जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो रखा है। आप लोग देखो कि पूरा का पूरा एरिया जो है फॉग के अंदर भरा हुआ है। पहाड़ों में ठंड आ गई है मेरे को लग रहा है ऐसा। तो यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है, तो बस यहाँ से हम चंडीगढ़ के आसपास पहुँचने वाले हैं। उसके बाद हम वहाँ से कुछ डिनर करेंगे, उसके बाद दिल्ली निकलेंगे। मेरे हिसाब से रात को 11 बजे तक हम दिल्ली पहुँच ही जाएंगे। आप एक बार फिर ये मौसम का लुफ्त उठाइए।